रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। शिमला में 2 साल के जश्न के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह की तुलना सरदार पटेल से करने पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस के द्वारा इस बयान पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, जिस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ओछी बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। शिमला में 2 साल के जश्न के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह की तुलना सरदार पटेल के करने पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस के द्वारा इस बयान पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, जिस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ओछी बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का रवैया सरदार पटेल के लिए सही नहीं था, क्योंकि पहले पीएम पटेल बनने थे लेकिन नेहरू जी बन गए थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 नेहरू की देन थी, जिसे हटाने के लिए आज पहले पटेल और अब अमित शाह ने काम किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने केवल जम्मू कश्मीर और बाकी देश में खाई बनाने का ही काम किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों का खामियाजा देश को 70 सालों तक भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डर के मारे इस तरह की बातें करके देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जिससे कांग्रेस को बाज आना चाहिए। बता दें कि शिमला में हुई 2 साल की जश्न रैली के दौरान अमित शाह की तुलना पटेल से की गई थी, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह को गुजरात का तड़ीपार नेता कहा है। अब कांग्रेस के बयानों पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। कांग्रेस का रवैया सरदार पटेल के प्रति भी वही था, क्योंकि सही मायने में देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल बनने चाहिए थे, लेकिन किसी कारणवश नेहरू जी बन गए। अब बन तो गए, लेकिन जो गलतियां वो उस समय करके गए, उसका खामियाजा देश को 70 साल भुगतना पड़ा। धारा 370 3500 ये उनकी नेहरू जी की देन है, लेकिन सरदार पटेल थे तो 562 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठे करने का काम, भारत को मजबूत करने का काम सरदार पटेल ने किया था। नेहरू जी ने तो केवल ऐसा बीज बोया था जो जम्मू कश्मीर और बाकी भारत में खाई खोई बनाई थी। आज मैं कहना चाहता हूँ, इन सब से छुटकारा दिलाया तो पहले सरदार पटेल ने, फिर अमित शाह जी ने, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये कांग्रेस डर के मारे इस तरह का झूठ बोलकर देश भर को भ्रमित करने का काम कर रही है, इससे इनको बाज आना चाहिए।